नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भैया, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है विधायक जी का। विधायक जी बहुत गुस्साए हुए हैं, बहुत गर्म है। उन्हें जो है सांसद जी समझा रहे हैं, कूल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंच पर ये सभी जो है तमाशा देख रहे थे। और विधायक जी जब नहीं समझे तो उन्होंने जो है पोल खोलना शुरू किया। अब विधायक जी क्योंकि गठबंधन के हैं, अपना दल सोनेलाल की तरफ से विधायक थे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी समस्या का निस्तारीकरण नहीं होता है, यहाँ पर अगर कोई अधिकारी पाया जाता है कि यह भ्रष्ट है तो उस पर कार्रवाई की बजाय उसे जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इनका जो वीडियो है ये यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, सिद्धार्थनगर में भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, गठबंधन के विधायक विनय वर्मा और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के बीच खुले मंच पर भ्रष्टाचार को लेकर झगड़ा हुआ। इस भयानक घटना के बाद भाजपाइयों के भ्रष्टाचार से त्रस्त ग्राम प्रधानों ने दुखी मन से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। एक नौजवान विनय वर्मा का मदद किया था, चुनाव जीतने के बाद हमने अपना खून पसीना बहाकर उनके लिए काम किया। वो लगातार अकारण मेरे गांव का जांच करवा रहे हैं और वो मुझसे कमीशन की मांग करते हैं। मैं आप श्रीमान जी को सुवर्णगढ़ विधानसभा के सभी ग्राम प्रधानों ने अपना मोहर लगाकर एक चेतावनी देने का आज हम लोगों ने काम किया है और सभी प्रधान साथी श्रीमान जी अपना अपना मोहर भी लाए, अपना मोहर ऊपर करने सभी साथी सभी लोग अपना मोहर लाए हैं। हम लोग सामूहिक इस्तीफा भी देंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को पहला मांग पत्र सोहरतगढ़ विधानसभा के प्रधानों की तरफ से सौंप रहा हूँ। अब चलिए इसके पीछे की कहानी जान लीजिए। दरअसल अभी इस्तीफा दिया नहीं है, ग्राम प्रधानों ने आपस में मिलकर ये चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो जो है संयुक्त रूप से इस मर जो है इस्तीफा दे देंगे। लेकिन कहानी ये भी है कि सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा से ये विधायक जी जो है वो अपना दल के हैं और सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सभागार में शुक्रवार यानी कल 30 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। माहौल अचानक बदल गया जब विधायक विनय वर्मा भड़क गए और जिलाधिकारी संजीव रंजन पर उनकी शिकायतें एवं जायज मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगने लगा। इससे हंगामे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, विधायक को मनाने के लिए सांसद को आगे आना पड़ा। जिलाधिकारी संजीव रंजन के बोलने के बाद विधायक विनय वर्मा ने संबोधन शुरू किया तो उन्होंने अधिकारियों पर विधायक का प्रोटोकॉल नहीं मानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी भाजपा के सहयोगी दल का विधायक होने के बावजूद कई बार शिकायत के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है, जिन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए उन्हें जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भैया, इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कल से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी एक बार फिर चर्चा में, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया। जरा पहले आप वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के साथ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भाजपा के शासन प्रशासन के अहंकार का प्रतीक बन गया है, घर वाले ही घर का मोल समझते हैं, हैशटैग भार बन गई भाजपा। अब इस वीडियो को ट्वीट कर लोगों ने अलग अलग तरह के कमेंट्स किए, पहले आप कमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ कुछ लोग ये लिखते हैं कि ये लोग देश की हर समस्या पर मौन धारण किए रहते हैं, दुनिया में आग लगे इनको बस खुद से ही मतलब रहता है, आज जब अपने घरों पर बुलडोजर चला तो बिलबिला गए। इनके अलावा एक और यूजर जो है वो राहत इंदौरी का एक शेर लिखते हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इनके अलावा एक और यूजर थे जिनका कहना था कि यही लोग जब त्यागी का घर टूट रहा था तो योगी योगी चिल्ला रहे थे।
अब यहाँ जो है मैटर समझना बहुत जरूरी है। दरअसल जैसे ही अनु त्यागी ने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर जो है अवैध निर्माण कई सारे, सिर्फ हमारा ही अवैध निर्माण नहीं था, उसके बाद प्राधिकरण जो है एक्शन में आया, एक्शन में आने के बाद उन्होंने लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जिनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर जो है थोड़ा सा अतिक्रमण लगा था। उसके बाद जो है प्राधिकरण पहुंच गया सोसाइटी में, वहां पर पहुंचने के बाद सोसाइटी के लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते जो है बुलडोजर सोसाइटी के अंदर पहुंच गया। पहुंचने के बाद बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू की, लगभग 16 घरों पर कार्रवाई हुई, तोड़फोड़ हुई, और तोड़फोड़ के बाद जो है ये लोग इस तरह जो है अपने पोस्टर बैनर लिए वहां पर खड़े थे कि भैया हमारे घर मत तोड़िए, अवैध नहीं है, हमें नोटिस नहीं मिला, और तमाम तरह के दावे किए गए। हालांकि आपको बता दें कि हाई कोर्ट में ये मामला चला गया, वहां पर स्टे लग गया, अब अगली सुनवाई जो है वो 20 तारीख को होगी। तो भाई बाकी तमाम अपडेट्स 20 तारीख के बाद देखेंगे, लेकिन अभी वायरल खबरों का हिसाब किताब यहीं खत्म होता है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।